नमस्कार, इंग्लिश के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम नाउन के ऊपर डिस्कशन जारी रखेंगे और आज हम सीखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, यानी एकवचन और बहुवचन संज्ञाएं। तो सिंगुलर यानी एकवचन, जिससे एक वस्तु का बोध होता है, और प्लूरल यानी बहुवचन, जिससे एक से अधिक संज्ञाओं का बोध होता है। आप शायद प्लूरल और सिंगुलर से परिचित होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल, यानी अगर आपको कोई एकवचन शब्द दिया है तो उससे आप बहुवचन कैसे बनाएंगे। तो उसके कुछ नियम है, वो हम एक के बाद एक देखेंगे। तो पहला नियम, जनरली एड एस टू द सिंगुलर, यानी आमतौर पर एकवचन संज्ञा के अंत में एस लगा देते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं। गर्ल यानी लड़की, यह एक एकवचन संज्ञा है, और उसका बहुवचन गर्ल्स यानी लड़कियां। वैसे ही बुक यानी किताब, और उसका बहुवचन बुक्स यानी किताबें। तो चलिए अब दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। फॉर नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, एड ई एस टू द सिंगुलर। इसका अर्थ है, जो भी संज्ञाओं के अंत में एस या एस एच या सी एच या एक्स या ओ आता है, उसमें उसके अंत में ई एस लगाकर उसका बहुवचन बना सकते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बस जो एक वचन संज्ञा है, उसका बहुवचन या प्लूरल बसेस। वैसे ही डिश यानी थाली, उसका बहुवचन डिशेस। वैसे ही वॉच यानी घड़ी, उसका बहुवचन वॉचेस। तो आप देख सकते हैं कि बस के अंत में एस आता है, डिश के अंत में एस एच आता है, और वॉच के अंत में सी एच आता है। तो यह सब इस नियम का पालन कर रहे हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं कि फॉक्स यानी लोमड़ी का बहुवचन होता है फॉक्सेस यानी लोमड़ियां, और पोटैटो यानी आलू का बहुवचन होता है पोटैटोस यानी बहुत सारे आलू। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि फॉक्स के अंत में एक्स आता है और पोटैटो के अंत में ओ आता है। तो यह दोनों भी इस नियम का पालन कर रहे हैं। थोड़े नाउन जिनके अंत में ओ आता है, वो पहले बताए गए नियम का पालन नहीं करते। तो उनके लिए यह तीसरा नियम है कि उनके अंत में एस लगा दीजिए उनका बहुवचन बनाने के लिए। तो इस नियम को मानने वाली संज्ञाओं का पहला उदाहरण है पियानो, जिसके अंत में हम एस लगा के उसका बहुवचन बना देते हैं पियानोस। वैसे ही लोगो, जिसका प्लूरल होता है लोगोस। लोगो यानी किसी भी एक कंपनी या किसी संस्था की एक निशान। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यदि मैंने आपको कोई ऐसा शब्द दिया जिसके अंत में ओ आता है, तो आप उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? वैसे यह बहुत मुश्किल सवाल है, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, यानी कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस कैटेगरी के शब्दों के लिए ई एस लगाइए और उस कैटेगरी के शब्दों के लिए एस लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हम थोड़ी कोशिश करेंगे इस मामले को थोड़ा आसान बनाने की। तो जो भी शब्द के अंत में ओ आता है और ओ से तुरंत पहले एक वॉवेल आता है या एक स्वर आता है, उसके अंत में आपको सिर्फ एस लगाना है, ई एस नहीं। तो जैसे रेडियो, ओ के पहले आई आता है, आई एक वॉवल है, तो उसके प्लूरल के लिए आपने लिखा रेडियोस, सिर्फ एस लगाया। अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट आता है या एक व्यंजन आता है, तो या तो आप एस लगा सकते हैं या ई एस लगा सकते हैं। अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। मैंने आपको जो उदाहरण दिए थे उसमें पियानो को हमने पियानोस बनाने के लिए सिर्फ एस लगाया था,
लेकिन पोटैटो को पोटैटोस बनाने के लिए ईएस लगाया था। यहां देखिए ओ के पहले एन आ रहा है और एन एक व्यंजन है, और यहाँ ओ के पहले टी आ रहा है, टी भी एक व्यंजन है। तो इसलिए अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसके लिए कोई नियम नहीं है। आपको याद रखना होगा कि किस शब्द में एस लगाना है और किस शब्द में ई एस लगाना है। और थोड़े शब्दों में तो एस लगाए तो भी चलता है, ई एस लगाए तो भी चलता है। जैसे मैंगो यानी आम, उसका प्लूरल मैंगोस भी हो सकता है ई एस लगा के, या मैंगोस एस लगा के भी हो सकता है। दोनों इंग्लिश भाषा में अलाउड है, यानी दोनों इंग्लिश भाषा के हिसाब से सही है। तो इसीलिए ओ के साथ अंतित होने वाले शब्दों का प्लूरल बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, और आपको बहुत सारे शब्दों का प्लूरल याद रखना होगा। जैसे आपको याद रखना होगा कि पोटैटो को पोटैटोस बनाने के लिए ई एस लगाते हैं, पियानो को पियानोस बनाने के लिए एस लगाते हैं। लेकिन बस ये एक नियम है कि अगर ओ से पहले एक वॉवल आता है तो आपको सिर्फ एस लगाना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट चेंज वाई इनटू आई एंड ऐड ईएस। तो यह हमारा अगला नियम है। जो भी नाउन्स के अंत में वाई आता है और वाई के तुरंत पहले एक कंसोनेंट यानी व्यंजन आता है, उसमें वाई के बदले आप आई लिख दीजिए और अंत में ईएस जोड़ दीजिए। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। बेबी यानी बच्चा, उसका प्लूरल है बेबीज। तो यहां हमने वाई के बदले आई लिखा और अंत में ईएस जोड़ दिया। वैसे ही बहुत सारे और उदाहरण है जो इस टेबल में आपको देखेंगे। लेडी यानी महिला, उसका प्लूरल लेडीज। सिटी यानी शहर, उसका प्लूरल सिटीज। आर्मी यानी सेना, उसका प्लूरल आर्मीज। स्टोरी यानी कहानी, उसका प्लूरल स्टोरीज। अब अगला नियम। फॉर नाउन एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय अ वोवेल एड एस। यानी जो नाउन के अंत में वाई आता है और वाई के तुरंत पहले एक वोवेल आता है या स्वर आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए आप सिर्फ एस जोड़ दीजिए अंत में। तो इसके उदाहरण देखते हैं। बॉय यानी लड़का, उसका प्लूरल है बॉयज। तो यहाँ वाई के पहले ओ आ रहा है और ओ क्या है, एक वोवेल, तो उसमें हमने सिर्फ एस जोड़ दिया। वैसे ही ट्रे यानी एक, आप चित्र से देख सकते हैं, एक ऐसी चीज जिसमें हम चीजें रखते हैं, तो उसका प्लूरल है ट्रेस। तो यहाँ वाई के पहले ए आ रहा है और हमने अंत में सिर्फ एस जोड़ दिया। और वैसे ही टॉय यानी खिलौना, उसका प्लूरल टॉयस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई चेंज एफ फॉर एफ ई इनटू वी एंड ऐड ई एस। यानी कुछ ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है, उसमें वो एफ या एफ ई के बदले वी लिख दीजिए और अंत में ई एस जोड़ दीजिए। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो लीफ यानी पत्ता, उसका प्लूरल है लीव्स। तो यहां देखिए इस एफ के बदले मैंने वी डाल दिया है और अंत में ई एस डाल दिया है। वैसे ही नाइफ यानी छुरी, उसका प्लूरल होता है नाइव्स। इस टेबल में आपको वो सारे शब्द दिख रहे हैं जो अभी बताए गए नियम का पालन करते हैं। तो थीफ यानी चोर, उसका प्लूरल हो गया थीव्स। तो आप देख रहे हैं कि नियम के हिसाब से हमने एफ के बदले वी डाल दिया और अंत में ई एस डाल दिया। आप इस वीडियो को पॉज करके टेबल के बाकी सारे शब्द भी एक बार पढ़ लीजिए, और मैंने सबके हिंदी अनुरूप भी डाले हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ दो शब्द हैं जिससे आप शायद परिचित नहीं होंगे, लोफ और एल्फ। तो इनके चित्र मैंने डाले हुए हैं। लोफ का आप चित्र देख के समझ जाएंगे, और एल्फ एक काल्पनिक प्राणी है जो सिर्फ कहानियों में पाया जाता है। तो इसके भी चित्र से आप देख सकते हैं एल्फ का अर्थ क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले नियम के मैंने जो उदाहरण दिए और टेबल में जो शब्द थे,
उनके अलावा काफी कम शब्द है जो पिछले नियम का पालन करते हैं, और वो सारे शब्द आमतौर पर बातचीत में इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसलिए मैंने उनको टेबल में नहीं डाला था। तो बाकी शब्द जो आम जिंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं और जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है, उनके लिए यह हमारा अगला नियम है। फॉर अदर नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, एड एस टू फॉर्म प्लूरल। यानी दूसरे जो शब्द है जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है, उनके अंत में सिर्फ एस जोड़ दीजिए प्लूरल बनाने के लिए। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। चीफ यानी मुखिया, जिसका प्लूरल होता है चीफ्स। सेफ यानी लॉकर, उसका प्लूरल होता है सेफ्स। प्रूफ यानी प्रमाण, उसका प्लूरल होता है प्रूफ्स। गल्फ यानी खाड़ी, इसको आप चित्र से अच्छे से समझ पाओगे, इस एरिया को गल्फ कहा जाता है, तो इसका प्लूरल होता है गल्फ्स। क्लिफ यानी ऊंची और ढालू चट्टान, यह भी आप चित्र से अच्छे से समझ पाओगे, इस एरिया को क्लिफ कहा जाता है, यानी जहां से आप गिर सकते हैं उसको क्लिफ कहा जाता है, तो उसका प्लूरल होता है क्लिफ्स। और हैंकरचिफ यानी रुमाल, उसका प्लूरल होता है हैंकरचिफ्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नियम, फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल ऑफ द सिंगुलर। यानी थोड़ी ऐसी संज्ञाएं हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए आपको उसके अंदर के वोवल को बदलना पड़ता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मैन यानी आदमी, तो इसका प्लूरल होता है मेन, यानी बहुत सारे आदमी। वैसे ही टूथ यानी दांत, और उसका प्लूरल हुआ टीथ यानी बहुत सारे दांत। तो यहां आप देख सकते हैं मैन के वोवेल को, जो ए था उसको बदल के मैंने ई कर दिया। वैसे ही टूथ में दो वोवेल्स थे, ओ और ओ, उन दोनों को बदल के मैंने ई और ई कर दिया। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जब मैं बोलता हूं बहुत सारे, तो उसका अर्थ होता है एक से अधिक, और आप शब्द देख के नहीं बता पाएंगे कि इसमें आपको अंदर के वॉवेल को चेंज करना है या नहीं। तो आपको ये सारे शब्द याद रखने पड़ेंगे जिसमें आपको अंदर के वॉवेल को चेंज करना है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे उदाहरण दूंगा जो आमतौर पर बातचीत में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं जिसमें आपको अंदर के वॉवेल को चेंज करना हो, लेकिन वो आमतौर पर बातचीत में हम इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने आपको दो उदाहरण दे दिए हैं, मैन का प्लूरल होता है मेन और टूथ का प्लूरल होता है टीथ। वैसे ही दूसरे उदाहरण इस टेबल में है, वुमेन यानी महिला, उसका प्लूरल है विमेन। तो यहाँ पे ए को बदल के मैंने ई कर दिया है। फिर फुट यानी पैर, उसका प्लूरल होता है फीट। माउस यानी चूहा, उसका प्लूरल होता है माइस। अब यहाँ देखिए ओ और यू शब्द के अंदर आने वाले वोवेल है, तो उन दोनों को बदल के मैंने आई लिख दिया है, लेकिन ई शब्द के अंत में आने वाला वोवेल है तो उसे मैं बदलूंगा नहीं। वैसे ही लाउस यानी जूं, उसका प्लूरल होता है लाइस। और गूस यानी हंस, उसका प्लूरल होता है गीस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने आज जो पढ़ा उसका एक सारांश देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई सिंगुलर दिया है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या उसके अंत में एस, एस एच, सी एच या एक्स आता है। अगर हाँ तो उसके अंत में आप ई एस लगा दीजिए उसका प्लूरल बनाने के लिए। इसके हमने उदाहरण देखे थे, फॉक्स का प्लूरल होता है फॉक्सेस। अगर इसके अंत में ओ आता है तो आपको उसके अंत में या तो एस लगाना होगा या ई एस लगाना होगा। इस बात पे निर्भर करता है कि वो कौन सा शब्द है। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर किसी शब्द के अंत में ओ आता है तो उसका प्लूरल बनाना थोड़ा कठिन काम है, और मैंने आपको हर कैटेगरी के उदाहरण दिए थे। जैसे रेडियो का प्लूरल होता है रेडियोस, तो इसके अंत में मैंने सिर्फ एस लगा दिया।
पोटैटो का वो प्लूरल था पोटैटोस, तो इसके अंत में मैंने ईएस लगाया था, और मैंगो का प्लूरल था मैंगोस या मैंगोस, यानी या तो मैं एस लगा सकता हूँ या ईएस लगा सकता हूँ। फिर आप देखेंगे कि क्या उसके अंत में वाई आता है, अगर हाँ तो आप देखेंगे कि वाई के तुरंत पहले कौन सा शब्द आता है, कौन सा अक्षर आता है। तो अगर वाई के तुरंत पहले एक वॉवल आता है तो आप उसके अंत में सिर्फ एस लगा देंगे और प्लूरल बन जाएगा, और अगर वाई के तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट आता है तो आप वाई के बदले आई ई एस लिख देंगे। तो इसके भी उदाहरण हमने देखे थे, बॉय का प्लूरल था बॉयज क्योंकि वाई के पहले ओ आ रहा था जो एक वॉवल है, और बेबी का प्लूरल था बेबीज क्योंकि वाई के पहले बी आ रहा था जो एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या उस शब्द के अंत में एफ या एफई आता है, अगर हाँ तो आप एफ या एफई को या तो वीई एस से रिप्लेस कर देंगे या तो उसके अंत में एस लगा देंगे, और यह भी इस बात पे निर्भर करता है कि वो कौन सा शब्द है। तो मैंने आपको एक टेबल और कुछ उदाहरण दिए थे उन शब्दों के जो पहला नियम का पालन करते हैं, और मैंने बताया था कि बाकी सब शब्द दूसरे नियम का पालन करते हैं। तो अगर थीफ है तो उसका प्लूरल था थीव्स, जिसमें एफ के बदले मैंने वीई एस डाल दिया, और अगर चीफ है तो उसका प्लूरल था चीफ्स, जिसमें मैंने सिर्फ एस जोड़ दिया था अंत में। फिर आप देखेंगे कि क्या ये नाउन उन कैटेगरी ऑफ वर्ड्स में गिरता है जिसमें हमें उस शब्द के अंदर के वॉवल को बदलना पड़ता है। तो इसके उदाहरण भी हमने देखे थे, मैन का प्लूरल था मेन और गूस का प्लूरल था गीस। तो यहाँ ए को बदल के मैंने ई लिख दिया था और यहाँ दोनों ओ को बदल के मैंने दोनों ई लिख दिए थे। और अंत में अगर आपको इन किसी भी कैटेगरी में गिरने वाला शब्द नहीं मिलता तो बेस्ट तरीका होता है कि आप अंत में एक एस जोड़ दीजिए। थोड़े से एडवांस शब्द है जिनके प्लूरल बनाने का अलग तरीका होता है, जैसे बैक्टीरियम का प्लूरल होता है बैक्टीरिया, लेकिन ये एडवांस शब्द मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, और ये सारे शब्द आमतौर पर आम जिंदगी में बोले नहीं जाते, तो इसीलिए जो आमतौर पर बोले जाते हैं ऐसे शब्द में यूजुअली हम एस लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो आज के लेक्चर की कुछ विविध बातें कर लेते हैं। आज हम सीखेंगे इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, यानी अपना परिचय देना। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने कुछ वाक्य है जो आमतौर पर किसी को अपना परिचय देने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले नाम, माई नेम इज यश, यानी मेरा नाम यश है। फिर उम्र, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, यानी मैं 20 साल का हूँ। फिर पता, आई लिव इन मुंबई, यानी मैं मुंबई में रहता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट, यानी मैं एक छात्र हूँ। तो अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो तो आप लिख सकते हो आई एम एन एम्प्लॉय, या अगर आप शिक्षक हो तो आप लिख सकते हो आई एम अ टीचर, वगैरह वगैरह। फिर मैं कहाँ पढ़ता हूँ, तो आई स्टडी एट IITB, यानी मैं IITB में पढ़ता हूँ। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो लिख सकते हो आई वर्क इन, और जो भी आपका कंपनी का नाम है। तो अगर आप सपोज XYZ कंपनी में काम करते हो तो आप लिख सकते हो कि आई वर्क इन XYZ कंपनी, वगैरह वगैरह। और अंत में मेरे शौक क्या है, तो रीडिंग इज माई हॉबी, तो पढ़ना मेरा शौक है। आप अपने कोई भी शौक लिख सकते हो, पेंटिंग यानी चित्रकारी, या डांसिंग यानी नाचना, या राइटिंग यानी लिखना, वगैरह वगैरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपकी एक छोटी सी एग्जाम लूंगा। इस एग्जाम में आपको स्क्रीन पे दिए गए शब्दों का सिंगुलर लिखना है, यानी एकवचन लिखना है। तो पहला शब्द है काउस, यानी गाय। फिर बटरफ्लाइज यानी तितलियां, बॉक्सेस यानी बक्से, किलोस यानी किलो, वुल्फ यानी भेड़िए, प्रूफ्स यानी बहुत सारे प्रमाण, और फायरमैन यानी बहुत सारे ऐसे लोग जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम के उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मैं बस आपको इतना बता देना चाहता हूं कि सिंगुलर का प्लूरल बनाना एक आसान काम नहीं है, और बहुत सारे नियम होते हैं और अलग-अलग शब्द अलग-अलग नियमों का पालन करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा शब्द मिले जो मेरे बताए हुए नियमों का पालन नहीं करता, तो चौंक मत जाइए, क्योंकि हर नियम के लिए कोई तो ऐसे शब्द होते ही है जो उस नियम का पालन नहीं करते। और थोड़े नियम ऐसे हैं जो मैंने आपको अब तक बताए नहीं, क्योंकि वो आमतौर पर बोले जाने वाले शब्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होते। तो वह मैं एक एडवांस्ड वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सिंगुलर के प्लूरल को याद रख सकें। धन्यवाद।